हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आगे आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल कराया था, एग्जांपल नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 भी कराया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बेसिकली सॉल्व करना है इसे, और ये हमारी इनइक्वालिटी है। तो बेटा सवाल है कि सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर कौन सा निकालना है, नेचुरल का निकालना है और होल का निकालना है, इंटीजर्स निकालना है, रियल निकालना है। कुछ ना लिखा हो ना तो इसका मतलब हमारे को हमेशा रियल नंबर्स का आंसर निकालना है। आइए ये है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। 2x-1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x-2 अपॉन में 4-2-x अपॉन में 5। क्या करेंगे बेटा, एलसीएम 2x-1/3, 4 और 5 का एलसीएम इज 20। क्या हो जाएगा मेरा, 5 इससे मल्टीप्लाई 4 इससे, तो 5 ब्रैकेट 3x-2। अक्सर बच्चा ब्रैकेट भूलता है, -4 2-x 2x-1 is greater than equals to 15x-10-8+4x upon में 20। 2x-1/3 is greater than equals to 15x+4x 19x-10-8-18 by 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2x-1 इंटू में 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 × 19x-18। 20 × 2 40x-20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 × 19 57x-3 × 18 54। वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो 57x को यहाँ कर दिया, 20 को यहाँ कर दिया, तो 40x-57x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -54+20, क्योंकि मेरा -17x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -34। अब -17 यहाँ पर आके डिवाइड, और मैंने आपको बताया था जब माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो साइन फ्लिप, x इज लेस देन इक्वल्स टू -34/-17। कट करो कितना हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो रियल नंबर्स में लिखना है, रियल नंबर में जब लिखते हैं तो इंटरवल्स याद होगा, ओपन और क्लोज। तो फिलहाल यहां पर कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल 2 से छोटा, तो क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ से 2, 2 इज इंक्लूसिव, 2 क्या है, क्लोज्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले छोटी सी चीज ऐड करानी है, इधर ही ऐड करा देते हैं। आपने जहां पे लिखा था ना ओपन इंटरवल, वहां पर एक पॉइंट ऐड कर लो छोटा सा। अभी आगे आएगा आपका कि इन सॉल्यूशन को मेरे को ग्राफिकली या फिर नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करेंगे हम, बेसिकली जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो क्या होगा, जो भी आपका पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को एम्प्टी छोड़ देंगे, शेडिंग के लिए सर्कल को एम्प्टी छोड़ देंगे और बाकी का शेड करेंगे। क्लोज इंटरवल है तो सर्कल क्या करो, फिल कर दो। एक काम करो, इसे इस वे में ना लिखो, ऐसे लिख लो इसे। अगर ओपन इंटरवल है तो एक सर्कल बनाना, उसे एम्प्टी छोड़ देना, क्लोज है तो सर्कल बनाना, उसे फिल कर देना। ये क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन थ्रू। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व दिस एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे शो करना है, तो पहले सॉल्व करते हैं। 7x+3 इज लेस देन 5x+9। वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ,
सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स इज लेस देन नाइन माइनस थ्री, यानी टू एक्स इज लेस देन सिक्स, एक्स इज लेस देन थ्री। तो पहले रियल नंबर्स का सॉल्यूशन, थ्री से छोटा क्या बनेगा, थ्री से छोटे क्या होंगे, टू वन जीरो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर थ्री ओपन इंटरवल। कई बच्चों का ना डाउट आता है छोटा सा, इस तरह ये थ्री क्यों लिखते हैं सर, जब थ्री काउंट ही नहीं करना तो थ्री लिखना क्यों है सर, सीधा टू लिख दो। मैंने कहा बेटा थ्री से छोटा नंबर क्या सिर्फ टू है, थ्री के सबसे क्लोजेस्ट क्या बोलूँ, थ्री के सबसे क्लोजेस्ट छोटा नंबर बताओ। आप क्या बोलोगे सर, 2.9, बोलो 2.9 है क्या, 2.9 बार नहीं हो सकता सर, हो सकता है क्या, 2.919293 एंड डॉट डॉट, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो सर क्या मैं वो सारे नंबर लिख सकता हूँ, क्या मैं फिक्स नंबर को बोल सकता हूँ ये थ्री के सबसे क्लोजेस्ट है, नहीं राइट। तो क्या हो जाएगा मेरा थ्री, इसलिए हम इसको यहाँ पे थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी थ्री काउंट नहीं करना, बट थ्री से छोटा कोई भी हो काउंटेबल है। ओके पहला पॉइंट, अब ये तो आ गया, इसको ग्राफिकली शो करना है, क्या करो एक नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ लिखो थ्री, थ्री से छोटा, थ्री से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर थ्री तक, ये आ गया मेरा पॉइंट सिंपल। और ये सर्कल क्या करना है, एम्प्टी, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 20 पिक करूंगा क्योंकि वो इन सब में ज्यादा टिपिकल है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इसको सॉल्व करना है, एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दिखाना है। क्वेश्चन 20 करते हैं, x by 2 is greater than equals to 5x minus 2 upon में 3 minus 7x minus 3 upon में 5। सबसे पहले इन दोनों का LCM, LCM करो, 3 और 5 का LCM बेटा 15, 5 इससे मल्टीप्लाई, 5x minus 2, 3 इससे मल्टीप्लाई, 7x minus 3, x by 2 is greater than equals to, multiply करो, 25x minus 10 minus 21x plus 9 upon में 15, x by 2 is greater than equals to 25 minus 21, 4x minus 10 plus 9 minus 1 upon में 15, cross multiply, 15x is greater than equals to 2 into 4x minus 1, क्या हो जाएगा, 15x is greater than equals to 8x minus 2, यहां करो shift, right, let's check it out, ये लिखा था, इसको यहां शिफ्ट करा, 15x minus 8x is greater than equals to minus 2, क्या हो जाएगा, 7x is greater than equals to minus 2, तो x क्या हो जाएगा, greater than equals to minus 2 by 7, right, minus 2 by 7 से बड़ा या उसके equal, तो कैसे करूंगा, x belongs to, इस बार ग्रेटर है, ग्रेटर में क्या होगा, पॉजिटिव तक जाएगा, अगर एक नंबर लाइन के थ्रू समझाऊं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, माइनस टू बाई सेवन से बड़ा, तो ये करा इन्फिनिटी तक, और सर्कल क्या हो जाएगा, फिल, तो माइनस टू बाई सेवन से लेकर इन्फिनिटी, ये पॉइंट था आपका, इसे नोट करो। इसके बाद अब आपको हम कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स,
आइए बच्चों अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। वो मार्क्स जो एक स्टूडेंट ऑब्टेन करे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कितने हैं, 62 और 48। ओके, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। उसको फाइनल में कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 बन सके। अब एक बात जान लो बेटा, एटलीस्ट या मिनिमम कभी ये आ जाए आपके सामने, यहां लिख देते हैं एटलीस्ट या मिनिमम। नोट, एटलीस्ट या मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम इतना तो हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने कह दिया बोर्ड में ना 90 से नीचे नहीं आने जाने चाहिए, आपके हो सकता है घर वालों ने बात बोली हो 10th में, ठीक है, कि बोर्ड में 90 से नीचे नहीं आने चाहिए, तो ये एटलीस्ट मिनिमम। इसका मतलब आप 90 लाओ कोई प्रॉब्लम, 91 लाओ कोई प्रॉब्लम, 92 लाओ घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, 89 ले आओ तो कोई प्रॉब्लम होगी, यस, क्योंकि उसमें बोला था मिनिमम। मिनिमम का मतलब सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर ये क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है, जिनको आता है उनके लिए तो इजी है। फॉर एग्जांपल हमने बोला एक्स जो है मिनिमम 5 होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो 5 या 5 से बड़ी, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स क्या हो 5 या 5 से बड़ा हो, इसी वजह से यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल आता है। ओके, नेक्स्ट आता है एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, यानी बस इससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल कभी आपके साथ ऐसा हुआ बचपन में आपको आपके पेरेंट्स लेके गए हो किसी के घर और स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं छोटे बच्चों को बहुत दिए जाते हैं कि बेटा 2 से ज्यादा टॉफीज नहीं खानी है, अगर चॉकलेट्स आए तो आपको 3 पीस से ज्यादा नहीं लेने, हो सकता है कभी आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले हो, तो क्या मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं, तो वहां सिंबल क्या चलता है लेस देन इक्वल्स टू। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि एवरेज कम से कम 60 हो। तो लेट कर लो, लेट द मार्क्स टू बी स्कोर्ड बी एक्स, जो मार्क्स हम आपको स्कोर करने हैं उसको हमने एक्सलेट कर लिया। अब स्पेशलिटी क्या है, एवरेज 60 की हो जाए, एवरेज याद ही होगा क्या होता है, एवरेज मतलब मीन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकलती है एवरेज, 62 प्लस 48 प्लस x अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, राइट, 62 और 48 तो मेरा हो जाएगा 110, 110 प्लस एक्स, 3 इधर आके मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 180, 110 इधर आ गया माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी एक्स की वैल्यू 70 और 70 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स 70 है, 70 से ज्यादा तो मिनिमम मार्क्स है 70। आगे फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ध्यान से समझना, सारे पेयर्स निकालो जो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल हो, ऑड हो, कॉन्सिक्यूटिव ऑड। कॉन्सिक्यूटिव होता है बेटा लगातार एक के बाद एक, कॉन्सिक्यूटिव इज एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल अच्छा कॉन्सिक्यूटिव आ जाए या सक्सेसिव आ जाए बात सेम है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 10 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, यू विल से सर 11, राइट, 13 के बाद सर 14, अच्छा मैंने कहा 16 के बाद इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन सा है, 16 के बाद इवन, आप बोलोगे सर 18, राइट। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होगा, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, पहले वाले ऑड को एक्स लेट कर लो, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू, अगर बेटा पहला 11 है तो अगला क्या हो जाएगा 13, दो का गैप। अब आते हैं क्वेश्चन पे, स्पेशलिटी है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, 10 से छोटा नहीं चलेगा, और क्या स्पेशलिटी है, देयर सम इज लेस देन 40, और उनका सम क्या होना चाहिए 40 से छोटा, यानी x plus 2 इज लेस देन 40, सॉल्व करो 2x इधर भेजा इज लेस देन 38, x इज लेस देन 19, x मतलब फर्स्ट, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 19 से छोटा होना चाहिए, ओके, और क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, तो पेयर्स बनाना शुरू करो बेटा, पेयर्स क्या क्या बनेंगे, कंडीशन है दोनों 10 से बड़े हो, ओके, तो पहला पेयर ऑड का क्या होगा 11, 13, अगर 10 से बड़ा है तो 10 से बड़ा ऑड नंबर 11, 11 के बाद 13, तो एक पेयर ही हो गया, दूसरा 13, 15, राइट, 13 के बाद 15, फिर 15, 17, 17, 19, ये चलेगा, ये बच्चे सोचेंगे नो, बट यस ये चलेगा, क्यों, कंडीशन क्या है, x, x 19 से छोटा हो, और x क्या था मेरा, x था फर्स्ट नंबर, पहला वाला 19 से छोटा होना चाहिए, पहला क्या है, पहला 17 है, एक्सेप्टेबल है, अगर मैं पहला 19 कर दूं ये चलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां फर्स्ट नंबर 19 से बड़ा हो गया, ये इसमें पॉइंट था, या मैं कह सकता हूं 19 के इक्वल हो गया, तो ये हमारे चार पेयर्स हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन 23 क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, सारे के सारे कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जहां दोनों के दोनों ही 10 से छोटे हो, एंड देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम क्या हो 11 से ज्यादा हो, आओ इसको समझते हैं, तो लेट कर लो, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर ऑड इंटीजर बी एक्स, अगर फर्स्ट एक्स है तो सेकंड क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, अब स्पेशलिटी बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, ओके, एंड सम इज मोर देन 11, और उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए, यानी एक्स प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 11, तो 2x ये 2 इधर आ जाएगा इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x क्या होगा 4.5 से बड़ा, समझो x यानी फर्स्ट नंबर 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, क्योंकि ऑड की बात करिए क्वेश्चन में, 4.5 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है 5, तो 5, 7, राइट, चलेगा 7, 9 चलेगा, बिल्कुल 9, 11 चलेगा, नहीं, क्यों, ये क्वेश्चन ने बोला है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, यहाँ 9 तो 10 से छोटा है 11 नहीं है, इसलिए ये वाला पेयर एक्सेप्ट नहीं होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।